आपसे बात करेंगे। नगर परिषद गंगापुर सिटी में हड़ताल हुए, 3 दिन हो गए, आम पब्लिक परेशान है। आयुक्त साहब क्या कहना चाहेंगे और कब तक ये इसका परिणाम निकलेगा? मेरी जानकारी में मामला आया था, मैं 3 दिन से बाहर था और परिणाम ये है कि मैंने कर्मचारियों से सुबह आते ही जो नाराजगी थी इनके अध्यक्ष वगैरह सबको बुलाकर मैंने सबसे पहले व्यक्तिगत पूरी संवाद सुनी उनकी और उनसे चर्चा की। तो मैंने उन्हें ये भी कहा कि भाई अपन को शहरवासियों को भी देखना है, अपन भी इसी शहर के रहने वाले हैं, अपने आपस की लड़ाई का शहर वाले नुकसान क्यों उठाएं। तो कर्मचारी उनका ठीक है सर, हम आपकी बात मानेंगे। तो मैंने कहा अपन एक प्रशासनिक अधिकारी को लेकर अपनी बातें उनके आगे रखेंगे, उनके निर्देश पर, उनके आदेश पर अपन अपना काम थोड़ी देर में चालू कर देंगे, जो अपना लगातार जो काम किया जाना सफाई का, अपना जानवर उठाने का जो भी है। पंकज जी देखा जाए तो मैंने 15 दिन नहीं गुजरते और उससे पहले कोई ना कोई हड़ताल नगर परिषद में, क्या ये हड़तालों का अड्डा बन गया है? मुझे जहाँ तक याद है पिछली बार जो हड़ताल हुई थी वो तो भुगतान को लेकर हुई थी प्राइवेट कर्मचारियों की, सरकारी कर्मचारी कोई हड़ताल नहीं हुई थी, सरकारी कर्मचारी काम कर रहे थे। लेकिन आयुक्त साहब 300 कर्मचारी हैं और 300 कर्मचारी माना रखते हैं, शहर की व्यवस्था में इनका अहम रोल रहता है। 300 जो मैं आपको बता दूं कि ये राज्य सरकार से बीटी आती है तभी अपन भुगतान कर पाते हैं ठेकेदार को, अपनी कंडीशन में ठेकेदार कहीं भी ऐसा लिखा कि हम तो ये हर महीने भुगतान करेंगे। और मैंने दीपावली पे करीब 40 लाख रुपये का भुगतान किया था सफाई ठेकेदार को, अब जैसे फिर बीटी आई अपन भुगतान करेंगे, लेकिन एग्रीमेंट में गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से अपन कर्मचारियों से नहीं कह सकते, अपन एग्रीमेंट सिर्फ ठेकेदार से होता है, अपन ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ उनका स्थायी कर्मचारी अगवा, और अभी तक जैसे कि कल यहाँ जो नया एसआई जो आए हैं उनके द्वारा जो वाक्य बोला गया कि कहीं सौम्या गुर्जर जैसा मामला ना बन जाए, इसका कहने का मतलब क्या है? नहीं, ये कहा गया तो मेरी जानकारी में नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, वीडियो वायरल हो रहा है पूरी तरह इस मामले में, इन सारी चीजों को छोड़ते हैं। लेकिन सर एक बात मुझे बताइए, पब्लिक बॉडी है, अगर इस तरह गवर्नमेंट और पार्षदों के बीच में, गवर्नमेंट कर्मचारियों के बीच में टकराव होगा तो इसमें तो जनता का ही तो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है ना, इन व्यवस्थाओं को नहीं संभाल पा रहे। आज पूरे गंगापुर में जब ये बयान जा रहा है कि साहब आज भ्रष्टाचार का अड्डा नगर परिषद बन चुका है, आप देखिए कर्मचारियों का व्यवहार देखिए किस तरीके से वो आ रहे हैं, किस वो उसमें वो रह रहे हैं। एक बात बताओ, एक दिन जो एसआई आया है फर्स्ट दिन उसने ज्वाइन किया है, वो इतना कितना चहेता हो गया कर्मचारियों का, आपको नहीं लग रहा कि इसमें पीछे से कोई ना कोई सपोर्ट ऐसी लग रही है कि साहब उसको जबरदस्ती भड़काया जा रहा है? जहां तक मैंने सुना है तो बात हुई थी, तो वो बात चेयरमैन साहब उनको समझाने के लिए बुलाया था, लेकिन जो जिन पार्षद का नाम आ रहा है कि उन्होंने चेयरमैन साहब के कमरे में बुला के फिर उनसे अभद्र भाषा किया उनके मतलब साथियों से, तो वो तो पुराने कर्मचारी है सारे। नहीं अच्छा एक बात मुझे बताइए, आप खुद इस बात को रियलाइज करते हैं नहीं करते कि हाँ बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो दिन में शराब पी करके नगर परिषद के अंतर आते हैं? अगर ऐसा कोई कर्मचारी है तो आप मुझे बताइए, मैं तुरंत उसका मेडिकल करवा के उस पर कार्रवाई करूंगा। ठीक है, और उस दिन का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें भी स्पष्ट जिस तरीके से अभद्र भाषा, गाली गलौज और शराब पी करके स्पष्ट नजर आ रहा था, तो वो क्या गलत है? जितने लोग गए थे सारे जमादारों से पूछा है, मेरे नंदू है, अपने ये प्रहलाद है, इनमें से जहां तक मैं जानता हूँ रामरूप मीणा है अध्यक्ष, इनमें से कोई शराब नहीं पीता, ड्यूटी टाइम में रात को भी नहीं पीते लोग, मैंने सारे जमादारों से पूछा है, दिलीप हुआ चाहे कोई भी हुआ, जमादार एक भी शराब नहीं पीता, कर्मचारी रात को क्या करते हैं ड्यूटी के बाद, ये अपन कुछ नहीं कह सकते। नहीं, हम ड्यूटी टाइम की बात कर रहे हैं, और दूसरी बात ये है सर कि अब कुल मिलाकर के ये है कि एक ऐसा ही अगर इस तरह बेवजह दूसरों के भड़काने में आकर के या दूसरों के कहने पे आकर के या बेवजह एक दिन में आकर के नेतागिरी करता है तो इससे तो माहौल खराब ही हो रहा है ना। नहीं ठीक है, चलो एक बार गलती होगी, वो भी नया, उसे यहाँ का एटमोसफेयर पता नहीं था, अब उसे समझाएंगे, दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति होगी तो अपन। नहीं तो आपका कहना सही है कि गलती हो गई, वो नया है, लेकिन नया कर्मचारी जो आता है वो पहले लगभग 10 से 15 दिन तक ये देखता है कि भाई स्टाफ में क्या क्या चल रहा है, क्या उन्होंने तो आते ही अनेतगरी शुरू कर दी। पार्षदों ने उनके साथ अभद्रता की थी, उनको भी तो सोचना चाहिए था कि आज ही आए, उनको भी व्यवस्थाओं को पता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल जायज है। कुछ पार्षद ऐसे हैं जो जिनका रुतबा जिनका कई बार हमारे भी यहाँ आके बिल्कुल पूर्व में भी हमारे पट्टा शाखा से भरे कैंप अधिकारी के आगे को अभद्र भाषा में गालियां दी। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ पार्षद ऐसे भी हैं है। वाकई में जो एटीट्यूड के साथ में यहाँ आते हैं या दिन भर जिनका मिसबिहेव रहता है, ये सही बात, बिना आयुक्त के इधर उधर इधर उधर। हमने जो कर्मचारियों से बात की है कि पार्षद और कर्मचारियों के पास नहीं आएंगे, अगर कोई निजी काम है कोई आवश्यक है तो ही आए, अनावश्यक कमरे में ना बैठे। और मैं चेयरमैन साहब से भी बात करूंगा कि आप जब इनका समझौता कराऊंगा कि आप अपने पार्षदों आप प्रायोरिटी दोगे और आप हमें बताओगे कि किसका काम पहले करना है, संसाधन सीमित है, एक साथ 10 जगह हम भेज नहीं सकते हैं, फॉगिंग मशीन एक थी एक साथ कहीं और नहीं भेज सकते, तो ये चीज़ चेयरमैन साहब निर्धारित करें, बोर्ड उनके सदस्य उनके हैं, वो सारा उनका है, बोर्ड के अध्यक्ष है वो, तो वो ये जिम्मेदारी ले कि भाई पार्षद आके मुझे बताएं कोई समस्या तो कर्मचारियों से सीधे जाके ना भेड़े, कोई इमरजेंसी चेयरमैन साहब प्रायोरिटी तय करेंगे भाई पहले उन 3 वार्डों में काम कराओ या 3 JCB पहले 2 जगह भेजो या
ये काम पहले यहाँ कराओ, उसकी ज्यादा आवश्यकता है क्योंकि वो पूरे शहर के मालिक है तो उनको देखना है ये चीज। नहीं बिल्कुल, और कई कहीं ना कहीं है ना पंकज सर, मुझे लग रहा है मॉनिटरिंग भी प्रॉपर हो नहीं पा रही है। मॉनिटरिंग प्रॉपर हो रही है लेकिन मैंने जब कर्मचारियों से पूछा, कई बार हमारे इनसे भी खूब कई पार्षदों ने गालियां दी है, जो जमादार का सफाई कर्मी है और एक एक पार्षद होता है उसके घर में 5 पार्षद बनते हैं, जबकि ये साफ साफ ये देख रही है इसका क्या निर्णय है। ये नियम है कि पार्षद बिल्कुल 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 इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता। तो ये चीजें भी देखने को मिल रही हैं और इन चीजों में सुधार। तो आज से इस मामले में आप कार्रवाई क्यों नहीं करते, आप एक सक्षम अधिकारी करिए ना सर। नहीं कार्रवाई करेंगे, अब जब चीजें इतनी अगर मिसमैनेजमेंट हो रही है तो कार्रवाई संबंधित अधिकारियों पर मेरे ख्याल से होनी चाहिए। और देखिए राम रूप जी भी हमारे साथ हैं, राम भाई इनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आयुष साहब एक चीज जानना चाहेंगे हम आपसे, प्रशासन शहरों के संग अभियान चल रहा है गंगापुर सिटी में, राजस्थान सरकार की बहुत अच्छी पहल है लेकिन जो पट्टे बनने चाहिए वाजिब, आपको भी पता है, मतलब एक एक साल के लिए फाइल लगाए हो गए लेकिन वो भटक रहे हैं, जो बनना चाहिए नियम अनुसार वो नहीं बन रहा और जिसका नहीं बनना चाहिए उसका बन रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बता दूं, आप शायद मंजू जैन वाली फाइल की बात कर रहे होंगे, परेशानी भुगतन पड़ रही है उसी की, कह रहे हो ना जो नहीं बनना चाहिए। वो फाइल कुछ विगत एक वर्ष से लगी हुई थी, मैंने फाइल पढ़ी है उसमें कहीं भी कागज की कमी नहीं थी। अब वो कोई फर्जी कागज दस्तावेज बनाकर अगर पेश करेगा, मौके पर भी वो था इसलिए ऐसा कपट्टा बन गया था, हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए निरस्त भी किया है। और आप मैं बता दूं संभाग में राजस्थान में भी नगर परिषद गंगापुर सिटी ने सबसे ज्यादा पट्टे दिए अब तक, लेकिन आयुक्त साहब एक एक साल तक की फाइल पड़ी हुई है, वो अभी तक जयन साहब के पास भी नहीं, मौके मौने लिखे लोगों चक्कर काट रहे हैं। मैं आपको बता दूं हमारे पास क्या होता है, जो समस्या बता रहे हैं कई बार पार्षद 10-15 फाइल लेके आते हैं, पहले इनको नहीं, लेकिन इस टाइम तो उसमें अभियान चल रहा है प्रशासन से, प्रशासन सेना के संग अभियान चल रहा है, लेकिन जो सक्षम अधिकारी उनको बैठना चाहिए, वो अधिकारी नहीं बैठे तो काम कहाँ से होगा? प्रशासन सेना के संग वार्ड नंबर 36 और 37 का भी हाईसेकेंडरी में अभियान था लेकिन कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं था उसमें। मैं आपको बता दूं, दिखवाता हूं मैं इसको क्यों नहीं देखो अधिकारी, हो सकता है कई बार पहले दिन जब लगता है सुबह आधा एक घंटा यहाँ से फाइलें वगैरह ले जाने में लेट हो जाते हैं, और कई बार कई कर्मचारियों को और भी काम होते हैं, जैसे कोई डीसी आ गई, कोई सूचना मांग के कहीं होगा ऑफिस में कार्यालय के लिए आना, उस कामों के लिए आना पड़ता है। तो आते ही हैं लेकिन पार्षद पति भी बार बार परेशान करते हैं कर्मचारियों आके बैठा के, जरूरत है नहीं हमारे कर्मचारी तो हमें सुधार नहीं। सुन रामरू भाई आप भी सुनो इस बात को, कई बार हमने भी फील्ड में देखा है, हमारे पास भी शिकायत आती है कि आपके जो सफाई कर्मचारी हैं इनका व्यवहार फील्ड में सही नहीं रहता। लेकिन सर वो आप कह रहे हो वो सही है, लेकिन जब पार्षद ये कह रहे हैं कि हम काम करवाएंगे तो एक तरफ तो वो काम करवा लेते हैं खुद की तरफ तो, और जो विपक्ष का है जो हार जाता है कोई भी, हाँ हाँ बिल्कुल तो उनके वहाँ सफाई नहीं होती है। अच्छा ये चीजें भी निकल के आती है ना, ये भी आती है, उनकी शिकायत आती है भाई साहब हमारे झाड़ू वाले नहीं आए, ये पार्षद साहब को 5 आदमी दे रखे हैं 10 आदमी दे रखे हैं कि भाई साहब हमारी वहां नहीं भेजते हैं हम, क्योंकि चुनाव हार गए, ये भी शिकायतें बार बार आती है। ठीक है, और फिर हमारे जमादारों द्वारा सफाई कराई जाए तो ये शिकायतें बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन पार्षदों को चेयरमैन साहब ने दे रखे हैं 5 आदमी तू ले जा 10 आदमी तू ले जा। लेकिन सर आपके जमादार आज तक कभी वार्ड में निरीक्षण करने के लिए नहीं जाते हैं? नहीं सर ये गलत है, जो पार्षद ही संभाल रहे हैं तो क्या करेंगे वो जाके, आप वो चीज बता रहे हैं ना, और पार्षद जो जमादार कहता है ना कि भाई उस गली में जाओ, पार्षद कहता है नहीं मान नहीं पहले ये करो, यदि पार्षद ऐसा कुछ भी है तो ये तो शिकायत टाइम पे होनी चाहिए ना, इनका निस्तारण, इससे गड़बड़ तो सबको झेलनी पड़ेगी ना, आम पब्लिक को ही, तो ये कचरा परमानेंट ही साफ करो ना, परमानेंट तो अधिकारी करें। सर हम बताना चाहेंगे आपके लिए, जब आप ये पार्षदों पर ये आरोप लगा रहे हैं कि पार्षद विपक्ष वालों का काम नहीं करवाते, तो जमादारों की अगर ऐसे पार्षदों को चिन्ह करें और जमादार उनके खिलाफ कार्रवाई करें, कार्रवाई करो भाई, जो पार्षद मनमानी कर रहे हैं तानाशाही कर रहे हैं। तो चेयरमैन साहब को कई दफे सुना दिया हमने, कई दफे अवगत करा दिया, कोई कार्रवाई नहीं। नहीं जीता हुआ पार्षद सभी का होता है, सभी का होता है, वो लड़ते हैं तब तक ये होती है, जीतने के बाद में कोई भी जीत जाओ चाहे पार्षद हो चाहे चेयरमैन हो चाहे एमएलए हो एमपी। आप तो मुझे बताओ ये व्यवस्थाएं सुधरेंगी कैसे? बिल्कुल सुधरेगी, अब हमारे साहब बिल्कुल अब कार्रवाई करेंगे। दोबारा कम से कम न जमादारों की हमारे पास शिकायत आनी चाहिए मीडिया के पास और न कर्मचारियों की आनी चाहिए सर, ये तालमेल का काम है सर। और सर जमादार कर्मचारियों नहीं आएगी पार्षदों के आती रहो, नहीं पार्षदों ने इतनी बेइज्जती की है कि आप उनको बाहर निकाल दो, पकड़ के कैसे निकाल दो कर्मचारी को, जब चेयरमैन साहब ने बुलाया है उनको, बिल्कुल बिल्कुल, और बुलाने के बाद में गए हैं हम, तो पार्षद कौन होता है हमको निकालने वाला?
और असली मुद्दा यही है, बस मुद्दा यही है और कोई मुद्दा नहीं। नहीं तो अब इस मुद्दे में गंगापुर की जनता कब तक परेशान होगी आपकी आपसी लड़ाई में? हम जल्दी सुलझा रहे हैं उसको। चलो इस टाइम सैकड़ों जानवर मरे पड़े हैं, बिल्कुल हमको पता है, कुत्ते ऊपर फोन आ रहे हैं, लेकिन हम भी मजबूर हैं। पर एक बात बताएं रामलू भाई, अगर भविष्य में कभी भी किसी आपके कर्मचारी की कोई शिकायत आती है, जमादार की आती है, तो हम आपको सीधी शिकायत करें कि नहीं करें? मैं बिल्कुल कमिश्नर साहब करो, सही है ना? बिल्कुल कमिश्नर साहब करो, व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए और कर्मचारी भाई साहब। एक मिनट और लेंगे हम आपका। गंगापुर सिटी में इस टाइम डेंगू का प्रकोप बहुत तेजी से फैल रहा है और फॉगिंग की व्यवस्था और ये फॉगिंग के मामले को लेकर ही सारा मामला हुआ था, तो ये प्रायोरिटी इस बार को दिया जाए जिस बार में डेंगू का प्रकोप ज्यादा है। और ये तो आदेश भी है। ये मैं आपको एक निवेदन कर दूं कि हमेशा मेडिकल से, जैसे अपने कोरोना चला था तो मेडिकल वाइज लिस्ट आती थी कि इस क्षेत्र में इतने पॉजिटिव आए हैं, तो अपन वो फॉग करवाते थे अपने छिड़काव वगैरह। तो इस तरीके से अगर हमें कोई सूचना मिल जाए, कोई बताए, मुझे तो किसी ने बताया अपनी इस वार्ड में 50 पॉजिटिव आ गए, इसमें 30 आ गए, वो आप लोग पार्षद लोग बताएं या फिर चेयरमैन साहब बताएं। फॉगिंग तो चल रही है पर हमारे पास मशीन है, तो मैं आजकल में, लेकिन आयुष साहब आप तो छुट्टी पे चल रहे थे ना? आजकल नहीं, दो मशीन और मंगवा रहा हूं मैं। आखिरकार ये जनता कब तक भुगतेगी? ये नगर परिषद का ये मतलब हर महीने कभी पेमेंट को लेकर, पेमेंट को लेकर कभी हड़ताल होती है, कभी कुछ के लिए। सुनो, मैंने पेमेंट को लेकर हड़ताल नहीं होती कर्मचारियों के, जबकि हमारे स्थायी कर्मचारियों की बीटी पिछले 2 महीने से नहीं आई है, लेकिन मैंने कहा कि कोई बात नहीं, पैसा तो आएगा, जब भी आएगा, हड़ताल करने से कुछ नहीं होगा। 5400 रुपए में सब कुछ मिलता है, गरीब आदमी अपने परिवार का कैसे करेगा? अभी तक हड़ताल के बाद में भी अभी तक उनको भुगतान नहीं हुआ। नहीं, उनको भुगतान करवाएंगे अभी सेंट्रल वाले। चलो, सीधी सी बात यह है आयुक्त महोदय के गंगापुर में ये चीजें कई वर्षों से झेल रहे हैं लोग, आखिर गंगापुर की जनता का क्या होना जाना है? नहीं, मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि अब कोई हड़ताल नहीं होगी दोबारा, ये वादा कर रहा हूँ मैं आपसे, जब तक मैं रहूंगा कोई हड़ताल नहीं होगी लगातार। कब कब तक खुल, ये कब तक एक साथ पदक्षेप हो जाएगा इस जो थोड़ी देर में हो जाए? चलिए, आप उच्च अधिकारी इस तरह का हो कि क्या बातें हुई थी तो वो कल कह सकते, बिल्कुल बिल्कुल बातें हुई थी, क्योंकि पार्षद और कर्मचारी दोनों का एक दूसरे का पूरक है, दोनों एक दूसरे की गाड़ी है, उनके बिना काम नहीं चल सकता। हमारा सभी से निवेदन है कि इसको समझौते को तुरंत प्रभाव से लागू करें और इसको मूछों की लड़ाई न लड़ाए और कुछ वो झुके हैं, कुछ ये झुके हैं, जिससे कि आम पब्लिक का समाधान हो सके। जय हिंद, जय भारत। इस टाइम हालत बहुत खराब है मस्जिद।